दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टोयोटा हाईराइडर का जो हाइब्रिड ऑप्शन में मिड मॉडल आती है जी, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे होंडा क्रेटा की टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल से और देखेंगे कौन सी मॉडल बढ़िया रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन से शुरुआत करेंगे। तो हाईराइडर की लेंथ 65 mm ज़्यादा है, विड्थ 5 mm ज़्यादा है, हाइट 10 mm ज़्यादा है, व्हील बेस 10 mm कम है, ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm ज़्यादा है, बूट पेस 133 लीटर कम है। टायर साइज की बात करें, दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस की टायर मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियों में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी मिल जाती है। अब डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो कोई बहुत ज़्यादा अंतर दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने में नहीं मिलता। हाईराइडर हो या फिर क्रेटा हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको बढ़िया केबिन स्पेस मिलने वाली है, हेडरूम मिलेगी, लेग रूम मिलेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। दो ही फर्क आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने में मिलेगा और वो ये है, हाईराइडर में आपको 210 mm की भारी भरकम ग्राउंड क्लियरेंस देखने में मिलेगी, जबकि क्रेटा में आपको 433 लीटर की बिग बूट स्पेस मिलेगी जो हाईराइडर के मुकाबले में 133 लीटर ज़्यादा है। तो अब आपको ये सिलेक्ट करना है, आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए या फिर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप हाईराइडर या फिर क्रेटा से सिलेक्ट कर सकते हो। इंजन डिटेल्स की बात करें तो हाईराइडर में आपको मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन सेटअप जो टोयोटा की तरफ से आती है, जो जनरेट करती है कॉम्बाइंड 114 bhp और 141 nm टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ई ड्राइव आपको इसमें मिल जाती है। 28 kmpl का ARAI क्लेम्ड माइलेज भी आपको टोयोटा हाईराइडर में मिल जाती है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर आपको बढ़िया माइलेज निकल कर दे देती है, जबकि क्रेटा में आपको मिलता है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 113 bhp के साथ 144 nm टॉर्क पैदा करता है और आपको ट्रांसमिशन मिलता है CVT जो हुंडई वाले IVT कहकर बुलाते हैं। वैसे कंपनी ने कोई ऑफिशियल माइलेज फिगर्स तो CVT का निकाला नहीं है, लेकिन आप लोग मान के चल सकते हो 14 से 15 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम्ड हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में आपको इससे भी कम माइलेज क्रेटा का CVT ऑप्शन निकल कर देने वाला है। तो इंजन डिपार्टमेंट को अगर कंपेयर करें तो पावर फिगर्स में कोई भी आपको डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर माइलेज की बात करें तो यहाँ पर हाईराइडर बहुत आगे निकल जाती है, बहुत ही डिफरेंस क्रिएट हो जाती है क्रेटा और हाईराइडर के माइलेज ऑप्शन में। इसके अलावा हाईराइडर में आपको एक नया टेक्नोलॉजी मिल जाता है, अगर आप एक नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोग हाईराइडर के तरफ जा सकते हो। कॉम्फर्ट फीचर की बात करें तो हाईराइडर में आपको जो मिड मॉडल मिलता है जी, उसमें कॉम्फर्ट फीचर के नाम पर आपको देखने में मिलेगा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटेना, 60-40 रियर सीट, रिक्लाइनर रियर सीट आर्मरेस्ट, स्मार्ट क्लिस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 9 इंच टच स्क्रीन विथ आर्कामिस 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर सेटअप, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल विथ रियर एसी फैंस, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, PM 2.5 फिल्टर एयर प्यूरिफायर, पैनोरामिक सनरूफ, हेडअप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, टोयोटा आई कनेक्ट, कूल्ड ग्लाव बॉक्स और एम्बेंड लाइटिंग जैसे फीचर। जबकि क्रेटा का टॉप मॉडल SX ऑप्शनल में आपको मिलेगा ट्रायोबीम LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटेना, एम्बेंड लाइटिंग, रिमोट इंजन स्टार्ट विथ स्मार्ट की, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, एयर प्यूरिफायर, ड्राइव मोड सिलेक्ट, पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 8-way पावर ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लाव बॉक्स, 60-40 रियर सीट, रिक्लाइनर रियर सीट, 10.25 इंच टच स्क्रीन विथ बोस 8 प्रीमियम स्पीकर, वायरलेस फोन चार्जर और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको भर भर के कंफर्ट फीचर मिल जाते हैं, कोई शक नहीं, दोनों ही गाड़ियों में आपको आराम के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंफर्ट फीचर मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है जो आजकल ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े ज़्यादा फीचर आपको क्रेटा में ऑफर करे जाते हैं, जैसे कि फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स ये आपको ऑफर नहीं करे जाते, 10.25 इंच टच स्क्रीन ये आपको
हाई राइडर में 9 इंचेस का देखने में मिलेगा और बोस का 8 स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलने वाला है जो आपको हाई राइडर में नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ फीचर आपको ज्यादा मिल जाता है हाई राइडर के मुकाबले में क्रेटा में। सेफ्टी फीचर की बात करें तो हाई राइडर का जो मिड मॉडल है उसमें आपको मिलता है 6 एयर बैग्स, ABS विथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विथ लोड लिमिटर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट, फ्रंट एंड रियर 3-point सीट बेल्ट, आइसोफिक एंकर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑटो डिमिंग RVM और रियर पार्किंग सेंसर। इसके अलावा आप लोग मान के चल सकते हो 4-star की रेटिंग भी आपको हाई राइडर में मिल सकती है, क्योंकि हाई राइडर बेस्ट है ब्रेजा की ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर और ब्रेजा को इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल एनकैप में 4-star की रेटिंग मिली हुई थी क्रैश टेस्ट रेटिंग। तो हो सकता है हाई राइडर को भी 4-star की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिले, तो आप लोग हाई राइडर को एक अच्छी सेफ कार मान सकते हो। जबकि क्रेटा में आपको मिल जाता है ऑल 4 डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा विथ पार्किंग सेंसर, 6 एयर बैग्स, ABS विथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विथ लोड लिमिटर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑटो डिमिंग RVM, फ्रंट एडजस्टेबल सीट बेल्ट और 3-star क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल इनकैप। तो सेफ्टी फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल जाती है, एक्टिव और पैसिव दोनों ही। लेकिन अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो मैं मानता हूँ हाई राइडर का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाई राइडर थोड़ी सेफ रहेगी क्रेटा के मुकाबले में। अब प्राइसिंग की बात करें तो हाई राइडर का जो मिड मॉडल है हाइब्रिड में जो कि है जी, उसका एक शोरूम कॉस्ट है 7.49 लाख रुपए एक शोरूम, जबकि क्रेटा SX ऑप्शनल IVT पेट्रोल मॉडल की एक शोरूम कॉस्ट है 17.07 लाख रुपए। इन दोनों में 42,000 रुपए का डिफरेंस देखने में मिलेगा। 42,000 रुपए क्रेटा SX ऑप्शनल सस्ती पड़ती है हाई राइडर जी हाइब्रिड के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हाई राइडर में आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है और हाइब्रिड इंजन में आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए भी और आपको पेट्रोल इंजन के लिए भी। दोनों इंजन के लिए आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, इसीलिए प्राइसेस भी आपको ज्यादा ही चुकाना पड़ेगा क्रेटा की पेट्रोल इंजन के मुकाबले में। तो आपको ये तय करना है आपको नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है या फिर आप पुराने वाले टेक्नोलॉजी में ही खुश हो, वो आपको डिसाइड करनी है और उसी के आधार पर आप हाई राइडर या फिर क्रेटा में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।